नमस्कार। अंकित और प्रियंका को ऐसी बद्दुआ मिल गई है दोस्तों कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, तुम दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी नहीं बन सकते हो और तुम लोग अलग रहोगे, अलग हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक अवोकाडो के लिए ये पूरा परपंच रचा गया और एक अवोकाडो के लिए ये सिंपल सी एक चीज के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टैली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, RAHULBHOJ राहुल भोज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, किचन में एवोकाडो को लेकर एक बात हुई। दरअसल क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि शालीन भानोट ने प्रियंका चाहर चौधरी को अपना ब्रेड पकड़ा दिया, ठीक है, इसके बदले में उन्होंने एवोकाडो लिए और यही बात मिर्ची लग गई किसे, नन अदर देन अर्चना गौतम को। अर्चना गौतम ने दोस्तों किचन में खड़े खड़े ही ये बात अंकित और प्रियंका के सामने बोल डाली कि तुमको मतलब बद्दुआ दे दी लिटरली कि तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये लड़की बहुत ज्यादा शातिर है और ये जो लड़की है ये तुम्हारे घर वालों की भी रोटी छीन लेगी अंकित। अब दोस्तों यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद अंकित ने कुछ नहीं बोला होगा, प्रियंका ने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। प्रियंका चुप हो गई और अंकित ने बोला कि हमारी लाइफ है, हमारे बीच आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तुम्हारी बद्दुआ तुम अपने पास रखो क्योंकि वो तुम्हारी मेंटालिटी को शो करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अंकित फुल ऑन स्वैग में था और अंकित ने फुल ऑन स्वैग के साथ ये बात बोली। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दरअसल मुद्दा ये हुआ था कि शालीन ने ब्रेड जो है ब्रेड का पैकेट प्रियंका को दे दिया और प्रियंका ने उसके बदले अपने एवोकाडो जो फ्रूट्स आते हैं ग्रीन वाले, तो वो जो है शालीन को दे दिए और जिसके चलते यही बात अर्चना मैडम को कहीं ना कहीं खली और अर्चना को यही बात जो है चुभ गई दोस्तों, लिटरली चुभ गई। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए तो अर्चना की, तो अर्चना गौतम जो है वो बिग बॉस के घर में यही बवाल करते हुए नजर आए, किचन ड्रामा एंड सारी चीजें। वैसे प्रियंका ने अब कसम खा ली है, आज आप बहुत बड़ा ड्रामा देखेंगे, लेकिन प्रियंका ने कसम खा ली है कि भाई अगर जो है मैं इससे बात नहीं करूंगी क्योंकि इसके पैटी मुद्दों में मेरे को नहीं घुसना है, इसके पैटी मुद्दों में मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में जाके और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।